हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मेंस के एक्सपेक्टेड कटअप लेके आया हूं। काफ़ी व्यूअर्स बोल रहे थे सर आप कटअप के रिगार्डिंग एक वीडियो जल्द से जल्द बनाएं, तो थोड़ी सी एनालिसिस करने मुझे लेट हो गई और काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण मैं वीडियोज़ बना नहीं पा रहा था। तो 100% इससे अधिक नहीं जाएगा फ्रेंड्स, मैं फुल्ली एनालिसिस के साथ आया हूं कि कितने कटअप जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मेंस के कितने कटअप जा सकते हैं। सबसे पहले अगर क्लर्क की बात करें, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क के जो मेंस थे वो पहले शिफ्ट में हुए थे और मैनेजर जो है वो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड थे, जो कि 23 फरवरी को आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिले। तो क्लर्क के इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में जिसने इंग्लिश चुना हो चाहे जिसने हिंदी चुना हो, उसमें 27 से 32 आपको गुड अटैम्प्ट्स हैं। रीजनिंग में 31 से 35 आपको गुड अटेम्प्ट्स देखने को मिले। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 23 से 27, कंप्यूटर नॉलेज में 29 से 33 और जनरल अवेयरनेस में आपको 21 से 26 गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं, यानी कि 139 से 152 गुड अटेम्प्ट्स अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ आपने किया है तो इतना 139 to 152 आपके गुड अटेम्प्ट्स माने जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर एनालिसिस करें या आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको देखने के लिए मिला होगा कि जिस तरह का मेंस का लेवल होता है उस हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे। इजी तो नहीं बोला जा सकता लेकिन मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि जैसा मेंस का लेवल काफ़ी हाई होता है उस तरह क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले। लेकिन क्वेश्चंस इतने आपको टफ जो है मॉडरेट जनरल अवेयरनेस में जो 5 मंथ्स तक के पूछे गए थे, कंप्यूटर नॉलेज का भी मॉडरेट लेवल था, तो वो उस हिसाब से। और क्लर्क में सबसे पहली बात कट ऑफ एनालिसिस, दो तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट रखता है तो उसकी भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सेक्शन में क्या क्या आया था। मैथ्स की बात करूं तो डाटा इंटरप्रिटेशन 15, जो कि काफ़ी इजी लेवल के आए थे। अप्रोक्सीमेशन भी 5 आए थे जो भी इजी लेवल के थे। मिसिंग नंबर सीरीज आपको इजी देखने को मिले थे। आजकल तो प्रीलिम्स में रॉन्ग नंबर सीरीज भी देखने को मिलते हैं, तो आपको मेंस में अगर मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिले तो ये तो इजी लेवल के ही हुए, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में के अपेक्षा मिसिंग नंबर सीरीज जो होते हैं वो इजी माना जाता है। डाटा सफिशियंसी के 5 इजी टू मॉडरेट देखने को मिले और मिसलेनियस से 10 क्वेश्चन मिले जो कि इजी टू मॉडरेट थे। तो मैथ्स में अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट आपको लेवल देखने को मिला। अगर रीजनिंग की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। कोडिंग डिकोडिंग से भी 5 थे जो कि इजी थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी 5 इजी। ब्लड रिलेशन 3 इजी टू मॉडरेट। सैलोगिज्म भी 3 इजी टू मॉडरेट। डायरेक्शन सेंस इजी टू मॉडरेट और अल्फाबेट बेस्ड जो थे वो 1 थे और इजी थे 40, यानी कि रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिला है फ्रेंड्स। और इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, इंग्लिश हो या हिंदी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन आपको 5 जो कि काफ़ी इजी था। एरर डिटेक्शन थे, सिंगल फिलर्स थे, मिसलेनियस, तो आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज सेक्शन था वो भी ज़्यादा टफ नहीं देखने को मिला, वो भी इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ तो आप क्लर्क में आपको जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। आप चलिए फ्रेंड्स हम थोड़ा पीओ का देख लेते हैं कि पीओ में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे कि कितने कटअप जा सकते। और करेंट अफेयर्स में आपने देखा कि सितंबर अक्टूबर के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले, 6-7 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से भी मिले। तो अगर आप पीओ का देखें तो इसके जो लैंग्वेज सेक्शन थे वो 19 से 24 गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं। रीजनिंग में 27 से 31, 31, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 17 से 21 गुड अटेम्प्ट्स और कंप्यूटर नॉलेज 26 से 39 के बीच में जिन्होंने टच किया है उनके भी गुड अटेम्प्ट्स हैं और जनरल अवेयरनेस 22 से 26 गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं। तो इसके जिन्होंने भी 119 से 119 to 133 अटेम्प्ट्स किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो ये उनका गुड अटेम्प्ट्स माना जा रहा है। इसके देखिए कि हर सेक्शन वाइज क्या क्या आया था।
मैथ्स में बात करें डीआई 15 थी जो मॉडरेट लेवल की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछे गए थे वो इजी टू मॉडरेट थी, रॉन्ग नंबर 3 जिसमें पूछा गया जो मॉडरेट लेवल का था, डाटा सफिशिएंसी 5 मॉडरेट और मिसलेनियस 10 मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पूछा गया था। 40 क्वेश्चन इसके मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसे माना जा सकता। और रीजनिंग की बात करूँ तो इंग्लिश की बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट, क्लोज टेस्ट 5 इजी टू मॉडरेट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मॉडरेट 5 पूछे गए थे, एरर डिटेक्शन मॉडरेट और वर्ड यूजेज 5 मॉडरेट और स्टार्टर 3 मॉडरेट पूछा गया था। तो इसको भी आप मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से रीजनिंग में बात करें तो 15 आए थे जो कि काफ़ी मॉडरेट लेवल के थे, लॉजिकल रीजनिंग आए थे 8, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, सैलोगिज्म भी इसमें पूछे गए थे 4 मॉडरेट लेवल के, इनपुट आउटपुट भी देखने को मिला था 5 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे, इनइक्वालिटीज़ के 4 क्वेश्चन थे जो इजी टू मॉडरेट थे और ब्लड डिसीजन के 4 थे जो इजी टू मॉडरेट देखने को मिले थे। तो चलिए फ्रेंड्स आप बात करते हैं कि एक कलर की अगर बात करूँ कटअप की तो 139 से 152 गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं। आप दो तीन फैक्टर पे बात करना है कि ये जो 139 से 152 जो गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं, ये बात कर रहा हूँ 100% एक्यूरेसी की जो काफ़ी देखने को कम मिलेगा। आप दूसरा फैक्टर है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने थे, तो लगभग 400 के लगभग वैकेंसीज थे, 350 के लगभग, 400 के लगभग आपको कलर के वैकेंसी थे, लगभग 4000 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए चुना गया था, 4000 स्टूडेंट्स को लगभग मेंस के लिए चुना गया था। अब आप क्लर्क में कोई भी स्टेज एग्ज़ाम नहीं है, क्लर्क में इंटरव्यू भी नहीं है, तो आप ये जो आप जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट माना जा रहा है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो क्लर्क के जो एग्ज़ाम्स हुए वो एक्सपेक्टेड इजी टू मॉडरेट देखने को मिले, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था थोड़ा टफ जो ऐसा था, ग्रामीण बैंक के जो भी मेंस जो होते हैं वो भी मॉडरेट लेवल के देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इजी टू मॉडरेट था। इसमें जो कुछ टफ था तो आप देखने, आप लोग भी एग्जामिनी हैं, आप लोग भी बता सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे जिन्होंने 4-5 मंथ का जिन्होंने पढ़ा था उनको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैंने भी अक्टूबर के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, नवंबर दिसंबर ये सारा मैंने कवर किया था, जो भी इम्पोर्टेंट था जिन्होंने भी देखा तो उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। 5 मंथ के आजकल मैंने क्या बताया था, एक वीडियो में मैंने कहा था कि आजकल साल एक साल के 6-7 महीने पुराने भी क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस में काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो मैं सही था। और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल को देखने को मिले, चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसी 400 लगभग 4000 स्टूडेंट को चुना गया था, यानी कि अब उसको जो है 1/10 करना है, 1/10 करना है, 400 स्टूडेंट अगर मान लीजिए 350 स्टूडेंट जितने भी पोस्ट थे अगर उसको चुनना है तो यानी कि कटअप हाई जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी न किसी कारणवश मेंस में छट रहे होंगे और जिन्होंने क्लर्क का प्री दिया होगा वो एग्जाम्स में लग गए होंगे, तो एग्जाम्स में लग गए होंगे तो उनका जो प्रैक्टिस लेवल होगा वो अच्छा होगा, तो उन्होंने 168, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे 170 भी मार के आए हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था कि हमारा एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है, काफ़ी लेट से 4-5 दिन बाद पता चला। होता क्या फ्रेंड्स, रिजल्ट आने के बाद का पढ़ाई का जो स्पीड होता है और उससे पहले का स्पीड होता है उसमें काफ़ी अंतर आ जाते हैं, तो इस कारण भी 500,000 स्टूडेंट का जो लेव वो छट गए, 10-15 दिन में काफ़ी कम तैयारी कर पाए। ये भी था ताकि वैसे तो काफ़ी समय दिया गया, हालांकि इतने समय एक मंथ का समय भी किसी एग्जाम्स में नहीं दिया जाता है, 15 दिन के अंदर मेंस ले लिए जाते हैं, तो इसका कटअप जो है मेरे ख्याल से 150 से एबव रहेगा, 150 से एबव ही कटअप जाएगा, उसके नीचे तो सोचना ही नहीं है, 150 से ऊपर रहेगा, 155, 56 या 160 के लगभग 50-60 आप कटअप मान सकते हैं क्लर्क की, इससे नीचे नहीं रहेगा और ये उससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट 150-60 अगर आपके 100% एक्यूरेसी के साथ आपने किया है तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं, नेक्स्ट माने जा सकते हैं। फ्रेंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके होंगे ही, लेकिन आप 150-60 अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं, अगर उससे ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं, अगर एक्यूरेसी 150-60 में आपके 100% हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन पक्का है। आप पीओ की बात करूँ,
पीओ में का जो एग्जाम का लेवल था वो थोड़ा हाई था, मॉडरेट लेवल का था। हालांकि असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पोस्ट भी अच्छी है तो उसका एग्जाम का लेवल होना भी चाहिए, मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था। लेकिन इसके वैकेंसीज काफ़ी कम है, अगर जनरल की बात करूँ या 30-40 वैकेंसीज होंगे तो इसका नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो इसका एक और स्टेप है इंटरव्यू, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो कम से कम 300-400 स्टूडेंट के कम से कम 40 वैकेंसीज हैं। तो अगर आप इसका कटअप की बात करें तो इसके भी कटअप हाई जाएंगे, लेकिन उतना हाई नहीं जाएगा, 119 से 133 है। तो इसका भी आप मान के चलिए कि इसका भी 130 से कम नहीं रहने वाला है, 130 के लगभग 125 से 130 आप इसका भी आप कटअप आपको देखने को मिलेगा पीओ की बात करूँ तो। क्यों? क्योंकि फैक्टर दो तीन चीज करता है कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थे, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और एग्जाम का लेवल भी हाई आया। इसमें से जो अच्छे स्टूडेंट होंगे जो एसबीआई आईबीपीएस के एग्जाम्स में छट रहे होंगे मेंस में, वो उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा और उनका सिलेक्शन इजीली वे में हो जाएगा। मैं किसी को धोखा ये नहीं कहूंगा कि 100 में कटअप हो रहा है, 100 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका 70 में ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मैं झूठ किसी से बोलना नहीं चाहता। आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों को भी अंदाजा होगा ही, तो इसके भी कटअप्स इतने जा सकते हैं। फिर से बताना चाहूँगा कलर की अगर बात करूँ तो 150 से 155, 160 भी रख सकते हैं, 150 टू 160 के बीच में जाएंगे और पीओ 130 से 140 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इससे कम जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अधिक नहीं जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं जाएगा कटअप। जिन्होंने भी इतना अटेम्प्ट किया है जो 100% एक्यूरेसी के साथ, वो सेफ जोन में है और आपका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि इसमें नहीं हुआ तो क्या हम लोग तैयारी करना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वैकेंसीज 2019 में लाखों वैकेंसीज बैंक देने जा रही है, और मैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो 1,00,000 वैकेंसी की क्या सच्चाई है, कैसे वैकेंसीज दिए जाएंगे, कहां कहां वैकेंसीज अवेलेबल होगा। तो आप लोग का मान लीजिए इसमें अगर जिनका भी होता है वो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो सपोज कीजिए अगर नहीं हुआ तो क्या हमारी ज़िंदगी बैठी रह गई? LIC है, LIC डबल AO निकालेंगे, डबल AO की भी वैकेंसीज आ गए हैं, ग्रामीण बैंक के क्लर्क आ रहे हैं, वैकेंसीज की कमी नहीं है, FCI भी आ गए हैं। तो रेगुलर बेसिस पे मैं करेंट अफेयर्स के सेशन लाता रहूँगा। आप लोगों का साथ का जरूरी है, आप लोग का प्यार का जरूरी है, आप लोग हमेशा प्यार देते रहें और कन्फर्म रहें इतना ही जाएगा। और किसी झंझट में अगर कोई बोल रहा है कि 100 ही जाएगा, 110 में ही सिलेक्शन होगा, 90 में ही होगा, तो वो बस झूठ बोलने का है। मैं ऐसा कोई झूठ नहीं फैलाता अपने वीडियोज़ में, आप लोग व्यू जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप लोग जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। तो चलिए, आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी इतना अटेम्प्ट्स है वो सेफ जोन में है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और NTPC का मैं एक अनाउंस करना जा रहा हूँ कि मैं SSC LDC CGL CPO के लिए मैं जनरल साइंस के क्वेश्चन बैंक्स भी करवाऊंगा, और आप लोगों को अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे और टॉप 1000 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उससे बाहर ना तो NTPC में जाएगा जनरल साइंस के क्वेश्चंस, ना तो SSC में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए, गोल अचीवर को अपना प्यार देते रहिए, और यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि आपको घंटे का बटन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अवर वीडियो।